पवन और खेसारी आए हैं एक साथ। जी हाँ, इस लॉकडाउन सिचुएशन में पवन और खेसारी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली पवन और खेसारी एक दूसरे से भाई वीडियो कॉलिंग के जरिए कनेक्टेड हैं। जी हाँ, आप देखिए हमारी स्क्रीन पर जो फोटोज़ चल रही हैं उसमें आप देख सकते हैं खेसारी लाल यादव, प्रोड्यूसर प्रशांत और पवन सिंह आपको नज़र आ सकते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह खेसारी को खेसारी नहीं कहते, शत्रुघ्न कहते हैं। खैर, वैसे ये खेसारी का ओरिजिनल नेम है शत्रुघ्न, इसलिए पवन सिंह खेसारी को इसी नाम से बुलाते हैं। हाँ, ये बात और है कि खेसारी मशहूर इसी नाम से हैं। खैर, आपको बता दें कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत ही ज़्यादा जानकारी और बहुत ही ज़्यादा जागरूकता लोगों के बीच फैला रहे हैं, और तो और सभी बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की जिन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 250 घरों का जिम्मा लिया है कि वो उन्हें राशन देंगे, ठीक उसी तरह से रवि किशन ने भी किया है। जितने भी भोजपुरी में काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, स्पोर्ट बॉय हैं, सभी के घर वो राशन पहुंचाएंगे। और तो और भोजपुरी में कई ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि लोक हित में किस तरह से सरकार की मदद की जाए। और अब हम आपको ये बता दें कि जैसे ही हमारे भोजपुरिया स्टार्स इन सब चीज़ों से फ्री होते हैं, वो वीडियो कॉलिंग जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव भी इसी तरह से वीडियो कॉलिंग के जरिए कनेक्ट हुए थे। खैर, अच्छी बात है कि हमारे ये भोजपुरिया स्टार्स सरकार की हर एक कदम में उनके साथ हैं और अपने फैंस से अपील कर रहे हैं कि भाई इनके साथ रहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।